नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज मैं बात करूंगा वास्तुशास्त्र के ऊपर कि वास्तुशास्त्र क्या कहता है, उसके सिद्धांत क्या है जब आपको कोई मकान किराए पर देना हो। तो ये एक आम क्वेश्चंस लोगों में रहता है कि कौन सा कमरा देना चाहिए। मान लो आप पूरा कमरा नहीं, पूरा मकान नहीं देना चाहते किराए पर, तो कौन सा कोण या कौन सा क्षेत्र घर का किराए पर आप दे सकते हैं। जैसे आज के समय में Airbnb, पोई रूम्स काफ़ी ऐसे प्रचलित पद्धति हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग द कंप्लीट रेंट ऑन हाउस, आप एक स्पेसिफिक एरिया या कमरे को ही आप रेंट पे डाल सकते हो ओयो या Airbnb पर। इस तरह से काफ़ी साइट भी हैं। तो जब ये प्रश्न आता है कि कौन सा स्थान देना चाहिए या कौन सा नहीं देना चाहिए, तो वास्तु ये कहता है कि आपको नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट कोण एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान, ईशान को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं और साउथ वेस्ट को हम नैऋत्य बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो स्थान है या दोनों ही जो डायरेक्शन है वहाँ आपको अवॉइड करना है देने के लिए। अब इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, द फर्स्ट पार्ट कम्स ऑन द ईशान। ईशान कहते हैं भगवान शंकर को, महादेव को। तो इसीलिए उस पवित्र स्थान पर, क्योंकि इसीलिए वास्तु में यदि भी कहा जाता है कि ईशान कौन शिव का कारक है, इसलिए ईशान में केवल शिव की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना या पूजा ग्रह या मेडिटेशन मंदिर आदि होने चाहिए। या फिर अगर आप कुछ रखना चाहते हो तो आप अवश्य ही स्टडी टेबल या फिर आपके वर्किंग जोन वहाँ पर रख सकते हो, लेकिन वहाँ बेडरूम किचन हॉल नहीं होना चाहिए। तो ये बात रही ईशान कोण की। और वो पवित्र स्थान है इसलिए वहाँ तो बेडरूम तो कदापि नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात मैं आता हूँ नैऋत्य में यानी कि साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट से संबंधित रखता है, इसलिए वहाँ पर आप भारी सामान रखने का विधान है। इसीलिए बेस्ट चॉइस फॉर द मास्टर बेडरूम इज द साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में मकान का जो मालिक है वो स्वयं रहना चाहिए, ना कि उसको किसी किराए पर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट्स इज अ हैवी एलिमेंट्स, इट द एलिमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर आप ये स्टेबल एलिमेंट किसी और के हाथ में वो पावर देते हो तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये घर है और साउथ वेस्ट में बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, और आपने अपनी बेटी को या बेटे को दिया है और ग्रह का स्वामी यानी कि आप किसी और कमरे में रहते हो, तो ये 100% लाजमी है कि आपका बेटा बेटी आपके ऊपर काफ़ी डोमिनेट करेगा बिकॉज ऑफ द अर्थ एलिमेंट्स गेटिंग एक्टिवेटेड इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और यही कारण है कि साउथ वेस्ट वाले एरिया को भी आप कभी भी किराए पर नहीं डालना चाहिए। अब बात करता हूँ तो फिर कौन से एरिया को आप किराए पर डाल सकते हो, कौन से डायरेक्शन में आप जो कमरा हो वो किराए पर डाल सकते हो, वो है वायव्य यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इसको सब डायरेक्शन भी कहते हैं। वहाँ पर अगर आपका कमरा हो तो बहुत अच्छा है, तो उसको आप ज़रूर दे सकते हो। और ये एक और बात वास्तु कहता है कि आपको यह चाहिए कि एक स्लोप जो रहता है, हर घर का एक मकान का एक स्लोप रहता है। आज तो हम सब फ्लैट सिस्टम्स में हैं तो स्लोप तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका घर हो तो ये प्रयास कीजिएगा कि आपका जो स्थान है, मान लो आप साउथ वेस्ट में हो और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आपको मकान किराए का देना है जो आपका कमरा है, तो आपका साउथ वेस्ट आपका जो एरिया है वो थोड़ा हल्का सा, भले आधा इंच एक इंच उसकी ज़मीन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, और स्लोप में जाता हुआ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जहाँ किराएदार को आपको मकान देना है वो एरिया थोड़ा हल्का सा नीचे होना चाहिए, भले आधा इंच 2 सेंटीमीटर, लेकिन थोड़ा वह स्लोप होते हुए हल्का सा नीचे होना चाहिए ताकि आपका वर्चस्व बना रहे, आपका प्रभुत्व बना रहे। तो यही कारण है कि नॉर्थ वेस्ट में देने का विधान बताया गया है। और भी कई विधान है। एक और विधान ये भी है कि मान लो आप किराए पर नहीं देते, अगर आपको गेस्ट रूम बनाना है तो गेस्ट रूम के लिए भी नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है दैट इज़ वेरी मच प्रेफरेबल टू क्रिएट द गेस्ट रूम्स एंड ऑल्सो टू क्रिएट द वेटिंग रूम्स। ठीक है, तो यही सारी बातें मैंने आपको कही वास्तुशास्त्र के अनुसार। अगर आपके कोई प्रश्न हो वास्तु से संबंधित, आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो जितना मुझसे बन पड़ेगा, क्योंकि आप कोई लेआउट मत डालिएगा, बिकॉज कई लोग व्हाट्सअप करते हैं, कई लोग लेआउट डालते हैं ईमेल पे, तो लेआउट से पता नहीं चलता। ऑब्वियसली वास्तु ऐसी चीज़ है जहाँ इन पर्सन आपको जाना जा सकता है, व्हाट्सअप पे या फिर प्लान लेआउट देखकर ही वास्तु की रेमेडी नहीं दी जा सकती। उसके लिए एग्जैक्ट बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो देखने पड़ते हैं, उसके बाद एक नतीजे पर हम आ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक
नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।